हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ अमरी, अमरी कैश ने व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैंने किया है ईद से पहले का अपना स्किन का प्रेप, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कोई पार्लर नहीं गई या मैंने कोई डिटेन नहीं करवाया। और ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है ना, डिहाइड्रेट हो जाती है। इसके वजह से मैंने आज छोटा सा एक बहुत क्विक वाला प्रेप किया कि हमारी स्किन भी अच्छी हो जाए, प्लस मेरा काम भी चल जाएगा। और DIY था तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्किन, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। कोशिश ज़्यादा करती हूँ कि मैं DIY ज़्यादा करूँ, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट से अच्छे DIY होते हैं, जो कि प्योर होते हैं, विदाउट केमिकल होते हैं। और जल्दी से जाओ, जल्दी से क्विक से देखो कि मैंने कितने क्विक से, कितनी जल्दी से अपना स्किन को अच्छे से किया है। उसके बाद क्विक से एक मेकअप किया है। और जल्दी से जाओ देखो, फिर मिलते हैं। चलिए चलते हैं, एक क्विक सा फेस पैक बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच। मैंने इसमें बेसन और मूंग की दाल को मिला के रखा था, और इसी में डाला है मैंने कस्तूरी हल्दी 1/4 चम्मच। और मैंने यहाँ पे जो ये दही थी ना, इसमें पानी डाला बिल्कुल भी नहीं है। पूरी 1 कप मैंने, जो 10 रुपए वाली दही होती है ना, पूरी दही मैंने ऐड कर दिया था, थोड़ा थोड़ा करके। मुझे पहले लग रहा था कहीं गीला ना हो जाए, फिर उसके बाद मैंने पूरी थोड़ी थोड़ी करके पूरी ऐड कर दी थी, और अच्छे से इसको फेंट लिया था कि दही और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा एक स्क्रब का भी काम करेगा और फेस पैक का भी काम करेगा। और मूंग की दाल और बेसन तो और दही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो रमज़ान की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, तो ये बहुत बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज कर देगी। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हमारा ये फेस पैक रेडी हो गया। आप इसको स्क्रब भी कह सकते हो, फेस पैक भी कह सकते हो, क्योंकि जब वह फेस पे हल्का हल्का सा स्क्रब करेंगे, हल्का हल्का जो दाल का दाना है, तो उससे वो बहुत अच्छे से स्क्रब भी हो जाएगा। थोड़ी देर लगा के छोड़ देंगे तो वो फेस पैक भी हो जाएगा, और बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पे आपके। आप इसे ईद वाले दिन सुबह सुबह लगा लो, 10 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद फेस वॉश करके मेकअप कर लो, बहुत प्यारा सा ग्लो आता है। और मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है पहले, उसके बाद मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है, लगा के और फिर मैंने हाथ पे भी लगाया था। आप पूरी बॉडी में भी इसको लगा सकते हो। मैंने जो बच गया था मैंने रख दिया था, क्योंकि मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अभी मैं यहाँ पे ऑफिस में बना रही थी वीडियो, तो इसके वजह से मैंने बस जितना मेरा हाथ खुला था मैंने उतने में ही लगाया, फेस पे लगाया। अच्छे से इसको पहले हाथ पे रगड़ा, और जो भी टैनिंग होती है ना, इससे टैनिंग भी रिमूव हो जाती है, ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं, बहुत अच्छी है। और उसके बाद में फेस पे भी मैंने हल्के हल्के हाथों से स्क्रब किया, बहुत अच्छे से स्क्रब करके मैंने छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में फेस वॉश कर लेंगे। बस सिंपल है ना, ये तो कोई भी कर सकता है, कितना भी कोई बिजी रहे और वो भी कर सकता है। देखो 10 मिनट हो गया है और हमारा इस फेस हाथ पूरा अच्छे से सूख गया है। अब बस इनको हल्का हल्का सा मैंने रगड़ा है, उसके बाद में वॉश कर लिया है फेस। बहुत अच्छा सा फेस वॉश होने के बाद में ग्लो आ गया है, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब चलते हैं जल्दी से एक मेकअप करते हैं, क्योंकि जाना है आज मेहंदी लगवाने। तो मैंने सबसे पहले टोनर लगाया है, मैं जोविश का टोनर लगाती हूँ, जो कि मैं डेली डेली यूज़ करती हूँ इसको। और उसके बाद पाउंड्स की जेल वाली मैंने क्रीम लगाई है, बहुत अच्छी क्रीम है ये, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है गर्मियों के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं हमेशा इसको लगाती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। उसके बाद में मैट पोरलेस फिटमी का मैट मैंने प्राइमर लगाया है, बिल्कुल जरा सा लिया है, और इसको मैंने पूरे फेस पे अच्छे से कवर कर लिया है। थोड़े से में ही बहुत प्यारा सा ग्लो आ जाता है इसमें पूरे फेस पे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी एकदम बीबी क्रीम ली है, बिल्कुल थोड़ी सी, बस हल्के हल्के से ऐसे डॉट लगाए, और पूरे फेस पे मैंने हाथ से ही लगा लिया, क्योंकि मैं बहुत क्विक वाला मेकअप करने जा रही हूँ। विद इन 5 मिनट में मेरा मेकअप हो गया था, बहुत अच्छे से मैंने फेस पे पूरा लगा लिया। ये देखो पूरा फेस का लुक ही अलग चेंज हो जाता है एकदम इसको लगाने के बाद में। और बस इसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया काजल और लिपस्टिक। बस काजल मैंने ब्लू हेवन का लगाया, मैं डेली ब्लू हेवन का ही काजल यूज करती हूँ। और उसके बाद मैंने जोविश का ही लिप पाम लगाया है, और ब्लू हेवन का ही मैंने मस्कारा भी लगाया है। जोविश का लिप बाम लगाने के बाद में मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, इससे लिप बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है शुगर की, और ये मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही थी, वीडियो में तो ठीक लग रही थी पर मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही थी। मैंने हल्का सा रेड कलर भी ऐड कर लिया, तो बहुत प्यारा सा कलर ऐड हो गया था। उसके बाद मैंने दुपट्टा ले लिया, मैं हो गई हूँ रेडी। चले चलते हैं जल्दी से मेहंदी लगा के आते हैं, और चांद रात की व्लॉग में आपको पूरा दिखेगा
मैं कहाँ कहाँ गई और मैंने किससे मेहंदी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अब अपनी हाथों में मेहंदी लगवाना है क्योंकि आज है चांद रात। आप सभी को चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वहाँ जाऊंगी और चांद रात की मैं एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी ताकि याद रहे ना कि हाँ 2024 का चांद रात हमारा इस तरह था। और चलिए ठीक है, उसका नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। आई होप आप लोगों ने देखी होगा और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।